हल्दीचौड़ में आयोजित प्रेस वार्ता को बोलते हुए किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कमल मोनी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित जो कृषि कानून पूरी तरह से किसान हितैषी है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं। वह नहीं चाहती कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, क्योंकि इस बिल के आने से मोदी सरकार की किसानों की आय दुगनी करने के संकल्प में यह बिल मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि आगामी 17 सितंबर को रुद्रपुर के मोदी ग्राउंड में किसान बिल के समर्थन में विशाल महासभा केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में होने वाली है, जिसमें नैनीताल जिले सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों से भारी संख्या में किसान शामिल होंगे। यहां आयोजित प्रेस वार्ता में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कमल मुनी जोशी ने कहा कि नए किसान बिल से बिचौलियों का खात्मा हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि भविष्य में सरकार फसल बुआई के समय ही MSP तय करेगी और अनुबंध खेती के तहत किसान यदि चाहे तो अपनी फसल बाजार भाव पर भी भेज सकता है। अनुबंध केवल फसल का होगा, जमीन का नहीं। कोई भी कंपनी किसान की जमीन पर लोन नहीं ले सकेगी। मंडियां खत्म नहीं होगी, तो किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बाजार में जाकर बेच सकता है। उन्होंने कहा कि किसान की मांगों के अनुरूप प्रधानमंत्री ने किसानों को न केवल SDM कोर्ट बल्कि सिविल कोर्ट में भी जाने का अधिकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे ने पूरे देश भर में किसानों को जागरूक करने का काम, जो किसान बिल जो लागू हुआ है, पारित हुआ है, और ऐसे किसान बिल के जो विरोध में ऐसे किसान विरोधी राजनीतिक पार्टियां उनको भ्रमित करने का काम कर रही हैं, और आप सब लोग मीडिया के माध्यम से और उन ऐसे लोगों से प्रश्न भी करते हैं, पूछते भी हैं, वो कहते हैं यस या नो केवल, और उनको कुछ काम नहीं है। उनको देश में अराजकता फैलाने का काम है, और जबकि सारे किसान संगठनों ने स्वागत कराया है, बिल का स्वागत कराया, समर्थन में आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, और आज एक ऐसा माहौल देश में पैदा करा जा रहा है कि जिससे कि ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग को बचाने का प्रयास करा जा रहा है। अब उनकी मांग कर रहे हैं, उस बिल को से किनारे हटके वो केवल और केवल ये कह रहे हैं कि ऐसे जो नक्सलवादी हैं, जो माओवादी हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, उनको भी छोड़ने का काम करो। और हम सब लोगों ने देखा है, शाहीनबाग वाला जो दल था वो पूरा वहाँ आया है, जिसने दिल्ली की स्थिति कैसी बनाई, और ऐसे विदेशों से फंडिंग करने का काम, और इस देश का किसान समझ चुका है और वो मानने लग गया है, इसलिए। और उत्तराखंड में उसका कोई असर नहीं हुआ, और हमारे उत्तराखंड में दो जगह सभाएं, बड़ी सभाएं किसानों की हैं, उस बिल के समर्थन में हैं। आज हमने प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी सब लोगों से आग्रह भी करा है, और सब लोग मोदी मैदान में 17 तारीख को 11 बजे वहाँ सब अधिक किसान वहाँ समर्थन में पहुँचने वाले हैं, और उनकी तैयारियाँ, और नैनीताल जिले से भी हजारों की संख्या में यहाँ से लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपनी गाड़ियों से, साधनों से वहाँ पहुँचने वाले हैं मोदी जी के इस बिल के समर्थन के लिए।